एक ही समाधान है, मरना। अरे हम तो परेशान है, पानी भी नहीं आ रही है, हमारी सुनाई नहीं करते जी हम। एक और प्रदेश सरकार सूबे के आखिर टोल तक पानी पहुंचाने का दावा करती है, वहीं आज भी प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां के लोग पीने के पानी के लिए सरकारी अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में ये समस्या उस समय और गंभीर हो जाती है जब लोग 8 सालों से लगातार सरकारी कार्यालयों में पीने के पानी की समस्या को लेकर चक्कर काट रहे हों और अधिकारी उनकी कोई सुनवाई ही नहीं कर रहे हों। जी हाँ, कम से कम भवानी खेड़ा के वार्ड नंबर 12 के लोग और पार्षद की बात को सुनकर तो यही लगता है। पिछले 8 सालों से पानी की समस्या से परेशान लोग जब एक बार फिर से जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में इकट्ठा हुए तो उनके सब्र का बांध टूट पड़ा और उन्होंने वही अधिकारियों और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पानी लाइन से जमा गड़ी पड़ी है, हम तुम्हारे परेशान से पानी मारांदा नहीं, वो इसे ठीक करा देंगे। 50 साल पुरानी लाइन है जी, अरे हम तुम्हारे परेशान है, पानी भी नहीं आ रही, हमारी सुनाई नहीं करते जी हम, जावा तू साम और बोल भाई अपने पास जावा जी हम, नहीं करता हम तुम्हारे परेशान से पानी भी नहीं। पिछले 8 साल से जनता के साथ पानी के लिए चक्कर काट कर अब तो वार्ड पार्षद भी परेशान हो चुके हैं। ऐसे में वार्ड पार्षद ने भी कह दिया कि अब तो उनके पास भी मरने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। डीसी से हम मिलिए, एक्शन से हम मिलिए, एससी से हम मिलिए, हमारी कोई समाधान नहीं है। हमारा एक ही समाधान है, मरना। पैसे तो मरे रहे हैं, वैसे भी सरकार ने मार दिए, काम धंधे हमारे पास है नहीं, क्यों गरीब आदमी हाँ खाली बैठे, पीने का पानी भी नहीं है, खाने का राशन भी नहीं हमारे पास। यहाँ सवाल ये उठता है कि हरियाणा सरकार की ओर से दावा किया जाता है कि प्रदेश के हर व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पिछले 8 साल से लोग पीने के पानी की समस्या से परेशान हो रहे हैं। हर शिकायत का समय बंद हल होने का निर्देश होने के बाद भी अधिकारी आखिर कैसे 8 साल से इस मामले को लटका रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। खैर, देखना होगा कि जनता की इस दिक्कत को देखते हुए अब सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने के साथ ही पानी की समस्या और ज्यादा गहरा सकती है। भारत 9 के लिए भवानी खेड़ा से सुशील कुमार की रिपोर्ट।